डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अब जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर जो मंशियात वाले पेशेंट्स हैं, कौन सा ऐसा नशा है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? देखिए, आजकल जो नशा बहुत बढ़ गया है और जिसके बहुत ख़तरनाक नुकसान हैं, वो आइस का नशा है। लोग में ख़ास से सस्ता मिल जाता है और इसको आइस, क्रिस्टल, मेथमफेटामिन, ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और इसकी मेन वजह मेरे ख्याल से कि ये इजीली अवेलेबल है, सस्ता मिल जाता है, इसलिए करते हैं लोग नशा। अच्छा, आइस के नुकसान बताइएगा क्या होते हैं? देखिए, नुकसान तो बेशुमार हैं इसके। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे नफसियाती बीमारी पैदा हो जाती है और इसको हम साइकोसिस कहते हैं, जिसके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, शक शुबा बढ़ जाता है, उसको लगता है लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, और गैबी शक्लें, गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आम जबान में कहते हैं पागलपन का दौरा सा पड़ जाता है, इस ये कैफियत हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो मरीज़ आपके पास आते हैं उनका उनकी टाइप्स बताइएगा कि किस किस टाइप में वो फॉल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कितना टाइम लगता है इनको, क्या प्रोसेस है, वो सारा एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, आप एडिक्शन की बात कर रही हैं। ठीक है, देखिए एडिक्शन के पेशेंट्स जो हैं मेनली टाइप, उनको क्या नशा करते हैं वो उस पे ही उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, क्योंकि हर नशे का अलग इलाज होता है, उसके दाखिल करने की मुद्दत अलग होती है, और उसको छोड़ने से जो नशा टूटता है, जिसे हम विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, वो अलग होते हैं। तो ये हर नशे पे डिपेंड करता है किस नशे का मरीज़ है। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हमें जाना है या हमें छोड़ना है, कुछ हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती उनकी फैमिलीज उनको लेकर आती हैं रिहैब सेंटर्स में, वो बताइएगा कि कौन कौन से किस किस्म के वाकयात होते हैं जब पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखें, नशे का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी विल पावर कितनी है, जो बंदा नशा कर रहा है उसकी विल पावर कितनी है, उसको छोड़ना चाहता भी है कि नहीं चाहता। ये मैं अक्सर अपने मरीज़ों को, उनके रिश्तेदारों को समझाता हूँ कि उनको बस होता है कि ज़बरदस्ती दाखिल कर दें और बस, और कोई हल नहीं, ज़बरदस्ती दाखिल करें ताकि ये नशे से दूर हो और ठीक हो जाए। ठीक है, ये भी एक चीज़ ज़रूरी होती है, मगर उसको मनाना कि वो नशा छोड़े ये उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आज चले आपने ज़बरदस्ती दाखिल तो कर दिया, महीने, दो महीने, तीन महीने, अगर उसने माइंड ही नहीं बनाया हुआ अपना नशा छोड़ने का, तो वो निकलते पहला काम ये करता है जाके वो नशा करता है दोबारा। ठीक है, तो इसलिए उसको हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं कि मरीज़ को हम मनाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ये नुकसानदेह है, इससे बहुत नुकसान है, माली नुकसान है, जानी नुकसान है, फैमिली सोशल लाइफ का नुकसान है, तो उसको मनाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। फिर उसको दाखिल करते हैं। दाखिल करने की वजह ये होती है कि कोई भी नशा जब आप छोड़ते हैं तो शुरू के दिनों में नशा टूटता है, जिस समय तकलीफ़ होती है, साइकोलॉजिकल तकलीफ़ भी होती है, मेंटल तकलीफ़ भी होती है, तो वो नशा छुड़वाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम देखते हैं रिहैब सेंटर में लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, मुझे बताइएगा कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि ये लोग यहाँ से जाएंगे, जब बाहर जाएंगे तो ये नॉर्मल लाइफ गुजारने लग जाएंगे? नॉर्मल लाइफ तो खैर सभी गुजार लेते हैं, अक्सर मकसद ये होता है कि जो नशे की तलब है वो बड़ी ख़तरनाक होती है, उनका दिल चाहता है कि वापस से मैं वो नशा कर लूँ, और ज़रा सा भी स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस छोटा हो या ज़्यादा हो, वो वापस उस तरफ कहते हैं कि यार अब एक कश लगा लेता हूँ और ये नशा छूट, ये ज़रा सुकून मिल जाए मुझे। तो एग्जैक्ट परसेंटेज तो फ़िलहाल मुझे नहीं याद, मगर बहुत बड़ी तादाद है जो वापस नशा कर लेती है दोबारा से। बिल्कुल, तो इसलिए हम उनको ये एडवाइस भी देते हैं कि आपने वो जगह छोड़ देनी है जहाँ पे नशा मिलता है, उन लोगों को छोड़ देना है जो नशा करते हैं, वो दोस्त यार ही सही हों, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हैं, वहाँ आपने जाना भी नहीं है जहाँ पे नशे की अवेलेबिलिटी भी हो आपको। इस परेशानी में, इतनी तकलीफ़ में डालें क्यों अपने आप को कि वहाँ पर जाएँ भी आप? अच्छा, हम देखते हैं लोगों का ना एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिहैब सेंटर्स में जाते हैं या आप किसी इस तरह साइकेट्रिक इदारे में जाते हैं तो लोगों को बड़ा डर महसूस होता है कि सही सलूक नहीं करते, मारते हैं या एक्स वाई ज़ेड, ये जो परसेप्शन है लोगों की, वो ज़रा क्लियर कीजिएगा कि ये सारा प्रोसेस बेसिकली होता क्या है और आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? अच्छा, बाकी सारे रिहैब सेंटर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कम से कम हमारे हॉस्पिटल में कोई सख्त ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, कोई सख्ती नहीं होती, मारना तो दूर की बात, हम कहते हैं बदतमीजी से भी बात नहीं कर सकते आप पेशेंट से, और अगर कोई ऐसे, हमें सारी जगह कैमराज लगे होते हैं, कभी हमें शक भी हो कि इसने मरीज़ से बदतमीज़ी की है या मारा है,
तो उसको फ़ौरन से डिसमिस कर दिया जाता है उस शख्स को। तो हम तो बहुत प्यार मोहब्बत से रखते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हमारा गोल होता है कि अब नशा तो छुड़वा दिया, दाखिल है मरीज़, कोई नशा नहीं मिल रहा, मगर वो 24 घंटे करे क्या, फारिग बैठ के भी बंदा, कोई भी फारिग नहीं बैठ सकता। तो हमने एक्चुअली पूरे दिन का एक प्रोसीजर बनाया होता है कि इतने घंटे एक्सरसाइज होती है, फिर इतने घंटे मूवी दिखाते हैं, थोड़ी बहुत म्यूज़िक हो जाता है, फिर हमने मौलवी रखे हैं, इमाम साहब आते हैं, वो एक आध घंटे वो उनको दर्स वगैरह देते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, और इसी तरह फिर आर्ट थेरेपी होती है कि सबसे कहते हैं भाई ड्राइंग्स करो, बनाओ अपने दिल की जो बढ़ा दे कागज़ पर निकालो। तो इस तरह से शुरू से आखिर तक पूरा हमारे दिन का स्केड्यूल होता है। फिर थेरेपी होती है, हमारे थेरेपिस्ट आते हैं जो ग्रुप थेरेपी करते हैं, वही बात जो मैं आपको क्यों उनको मनाते हैं कि भाई उनके मसले सुनते हैं कि क्या मसले थे भाई, क्यों शुरू किया और अब छोड़ दिया है तो कैसे छोड़े रखना है इसको। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के क्या इश्यूज होते हैं अगर कोई बंदा ड्रग लेता है किसी भी किस्म का, वो आपको आके क्या इशू बताता है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया? वैसे तो बहुत सारे मसले होते हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद होती है जो पीयर प्रेशर में शुरू करती है, दोस्तों के चक्कर में कि यार दोस्तों ने कहा था अरे कुछ नहीं होता करो बड़े मज़ा आता है। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, तो ज़्यादातर तो ये है। फिर कुछ लोग होते हैं कि टेंशन में, पढ़ाई की टेंशन है, घर की टेंशन है, माली हालात ख़राब हैं, तो कोई दोस्त यारी कह देता है यार ज़रा ट्राई तो करो, टेंशन से कम होती है, शुरू ऐसे होती है मज़े में, फिर वो आदत बन जाती है, नशा लग जाती है। अच्छा, लास्ट में ये बताइएगा कि जो मरीज़ आपके पास आते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स का, एज ब्रैकेट क्या होता है जो आपको लगता है कि इस ये एज ब्रैकेट जो है ना नशा बहुत ज़्यादा करती है, और फीमेल का भी रुझान हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनके बारे में बताइएगा। फ़ीमेल का रुझान बढ़ गया है मगर मर्दों के नस्बत अभी भी कम है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेन वजह वही है कि बाहर निकलना मर्दों का ज़्यादा होता है, लोगों में मिलना जुलना ज़्यादा होता है, तो जो लोग नशे दोस्त या नशा करते हैं उनमें मिलना जुलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। दूसरा सवाल आपने क्या किया, एज ब्रैकेट क्या है? एज ब्रैकेट शुरू से लेकर आखिर तक के सभी लोग मिलते हैं, मगर ज़्यादातर स्टार्ट करने की एज यंग ही होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद अब्दुलरहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें डिटेल में बता रहे थे कि किस किस्म के मरीज़ जो हैं वो इनके पास ज़्यादातर मौजूद हैं। मैं इस वक्त कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल और रीहैब सेंटर में मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे पास कुछ वो पेशेंट्स भी मौजूद हैं जो कि मंशियात के आदि थे, उनका इलाज हुआ है और अब देखते हैं उनसे बात करके कि वो कौन से फेज़ में इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मुझे अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। अख्तर, अच्छा अख्तर साहब कब आए थे आप? मैं इस यहाँ पर अभी तो तकरीबन मेरे को 10 दिन हो गए आए हुए, और इस मर्ज़ में मैं काफ़ी पुराना पेशेंट हूँ यहाँ का, समझ लीजिए कि 4 से 5 मिनट एडमिट हो चुका हूँ यहाँ पर। 4 से 5 दफ़ा ऑलरेडी एडमिट हो इसी इसी हाँ इसी केस में। तो आप कैसे, आपने नशा करना स्टार्ट किया? नशा मेरे भाई की डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद तकरीबन 25 दिन बाद मेरे बेटे की डेथ हो गई, तो उसी के उसमें क्राइसिस के अंदर थोड़ा सा मैंने यानी इस चीज़ का भी सहारा लिया, यानी चर्च पहले इस्तेमाल की, तो करते करते दोस्तों के साथ बैठक सोबत के जैसे कहते हैं असर होता है, उसके साथ बैठक में बैठ के तो फिर यानी इसको भी यानी शुरू कर दिया मैंने। आपने चर्च से स्टार्ट किया, फिर आपने कौन कौन से नशे किए? चर्च से स्टार्ट किया मैंने पाउडर पीने लग गया मैं, पाउडर पीने में उस दौरान फिर जब पाउडर पीने लगा तो उस टाइम फिर घर वालों ने इलाज कराया था मेरे, यहीं से इलाज हुआ था मेरा, तो उस टाइम बिल्कुल ओके हो गया मैं, सेट हो गया बिल्कुल जाने के बाद, कोई ऐसा वो नहीं था, तो फिर दोबारा फिर तकरीबन कुछ अर्से बाद फिर दोबारा इस तरह करना शुरू कर दिया, तो फिर उसमें इन्वॉल्व हो गया, फिर दोबारा फिर लाया, फिर हर दफ़ा में इन्होंने ओके करके भेजा, और अभी जो है वो समझ लीजिए चौथी दफ़ा में फिर दोबारा मैं यानी इस दूसरे इसी केस में आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपकी फैमिली भी होगी? जी, आपके माँ बाप भी हैं, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे। जी, आप मुझे बताएं 4 दफ़ा एडमिट हो चुके हैं, तो दोबारा जब आप एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं तो दोबारा जाके नशा क्यों स्टार्ट करें? ये अपनी मर्ज़ी से ना, घर वाले जाते अपनी मर्ज़ी से जब दोबारा उसमें यानी इन्वॉल्व होकर जिससे कि सोबत से हट जाना चाहिए, उन्हीं को उन्हीं दोस्तों के साथ उठना, उन्हीं दोस्तों के साथ बैठना, तो इस तरीके से ये चीज़ नुकसानदेह बन जाती है कि उन्हीं लोगों के साथ बैठक जब करता हूँ ना, तो फिर इस चीज़ पे कोई प्यार से इस तरीके से दोबारा आना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, और फिर वही पुरानी यादें तो दिमाग में आती हैं, तो इसमें फिर दोबारा इन्वॉल्व हो जाता है। आपको लगता नहीं है ऐसे दोस्तों को छोड़ देना? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जगह को भी छोड़ देना चाहिए, ऐसे दोस्तों को भी छोड़ देना चाहिए, और उनके लिए दुआ करना चाहिए, और फिर जैसे जैसे मरीज़ हैं कोई भी एक्सरसाइज वो खुद अंदर से ये चाहत रखते हैं कि हम इस चीज़ लाने से दूर हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं जानबूझ के कोई भी नहीं करता, इसलिए इसके साथ रिजल्ट निकलते हैं कि नाक के अंदर नज़ला हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, बिल्कुल कमजोरी, तो वो फिर मजबूरन उसको जो है उस चीज़ का लेना पड़ता है, ड्रग्स लेनी पड़ती है उसको, तब जाके वो नॉर्मल होता है, खाना छोड़ देगा वो ड्रग्स लेगा तो उस अपनी कंडीशन पे आएगा, चल सकेगा, किसी से बात कर सकेगा, और वो मजबूरी देखते हैं कि मजबूरी होती है उसकी, दूसरा आदमी थर्ड आदमी नहीं समझ रहा होगा कि वो भूख के पैसे मांग रहा है या क्या है उसका कंडीशन है, वो सिर्फ उसके जरासीम उसको तंग कर रहे होते हैं, और वो बहुत खतरनाक कंडीशन पर होता है, बिल्कुल ऐसी जैसे उसकी मौत आने वाली है।
अच्छा, तो आप जब आप रिहैब में आते हैं, नशा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर छूट जाता है, तो क्या फील होता है बॉडी में? क्या बॉडी बहुत अच्छा फील होता है, सेहत बनने लगती है, खाना अच्छा, घर अच्छा लगता है, बहन भाई अच्छे लगते हैं, काम करना अच्छा लगता है, दुनिया अच्छी लगने लगती है, बिल्कुल सब ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहे। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो नशा करते हैं? मैं उनको क्या मैसेज दूंगा, जैसे हम लोग के पास क्राइसिस हैं, हम लोग के पास अदारे ऐसे नहीं हैं जिससे कि सही अदारा है, तो ये तो बहुत अपनी हेल्प करते हैं, डॉक्टर रोज़ाना आते हैं, चेक करते हैं, मरीज़ को एक्सरसाइज कराई जाती है, फिर खाना बदल बदल के दिया जाता है, ये नहीं कि एक साथ ही, जैसे कि हमारे माशाल्लाह से सलानी वाले करते हैं फिर रोज़ ही बकरा खिला रहे हैं, ऐसा नहीं, किसी दिन सब्ज़ी होती है, किसी दिन गोश्त होता है, किसी दिन बदल बदल के, इसी उसको सेहत के लिए भी अच्छी चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है ना, एक ही सारा दिन मुर्गा खाएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो वो लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा है कि वो कुछ सपोर्ट, कुछ वालदेन सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके पास इतने अखराजात नहीं होते कि उसका इलाज करा सकें, तो कुछ डिस्काउंट भी होता है यहाँ पर, ये नहीं है कि मेरा तकरीबन 2 से 3 मरतबा आधी कीमत में यहाँ पे इलाज हुआ, डॉक्टर रुई हैं, वो मेरी बहन बनी है, उनको मैंने बहन बोला तो वो उन्होंने इस रिक्वेस्ट करके नहीं आधी फीस भी नहीं उस पर किया, सब हो जाता है, तो ये नहीं है कि होता नहीं है, लेकिन उनके साथ वसाइल असबाब बने ना ऐसे। तो 4 दफ़ा आप आ गए हैं, और कितनी दफ़ा आएंगे तो नशा छोड़ेंगे? अभी जब मैं आया तो अभी तो मैं दुआ थी कि इंशाल्लाह ताला मैं कभी भी ना हूँ, हाँ मिलने के लिए डॉक्टरों से और उन मरीज़ों से वो चाहत करेगी कि हाँ उनको थोड़ा अपनी तरह से आइडिया दूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ से निकल जाए। तो नशा छोड़ देंगे आप? नशा तकरीबन छोड़ चुके हैं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो दवाइयाँ दी हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल पहले दिन से भी बिल्कुल महसूस नहीं हुआ मेरे को कि मेरे किसान फ्लश हो रहा है या थ्राउट उस चीज़ की दोबारा चाहत हो रही है, जिस तरीके से कि मैं पहले करता था आने से पहले कि मैंने इस्तेमाल किया, अगर उसमें यानी 24 घंटे गुजर गए या 12 घंटे तो मुझे उसकी तलब होने लगती थी, तो मेरा जिस्म बिल्कुल एक्सपायर हो जाता था, यानी चला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल बुरा आदमी जिस तरीके से सहारा लेके, तो वो जब फिर जाना जाके फिर लेके आना उसी कंडीशन में, तकलीफ उसको झेलना, फिर आके जब उसको करना, तो फिर जिस तरीके से एक पावर आ जाती है, वो बिल्कुल एक्टिव, खाने को छोड़ दें आप, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, लेकिन वही चीज़ एक्टिव कर देती है बिल्कुल, ऐसा जैसे ओके हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कब से आप मौजूद हैं यहाँ पर? यू विल बी शॉक्ड, आई हैव बीन हियर फॉर 7 इयर्स। 7 इयर्स? यस, इट्स बीन सो लॉन्ग। आई नो, आई एम क्रेविंग अ पिज्जा और समथिंग, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट, बट देयर आर दीस वंडरफुल पीपल who have been the staff members, but they are not a staff, they are like a friend. Even 7 years, so aap yahan par nasha ab tak chhod kyun nahi paaye? Nahi chhod paya tha, lekin ek logistics thi ki kahan jaunga, koi mujhe ghar dega ya nahi, to wo settle nahi hua. To family kidhar hai aapki? They live in Clifton. Acha, to family ke paas nahi jayenge? Nahi, wo bas hum log ne ghar se nikal liya hai. Acha, 7 saal unhone mujhe pana diye the. 7 साल पहले उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, तो आपने दोबारा जब आप सही हो गए, नशा छोड़कर दोबारा जाएंगे, बात करने की कोशिश की है इनके थ्रू, स्टाफ के थ्रू ये बात की जाए, पता लग सके? बात तो ये ना कि इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, इफ टू पार्टीज आर ऑनेस्ट विद ईच अदर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, लेकिन चक्कर ये है कि आई वॉन्ट टू से समथिंग नॉट पॉजिटिव अबाउट माई ब्रदर दैट ही थिंक्स दैट ही इज इनफेलेबल, यू नो ही इज नॉट इनफेलेबल, पीपल go through drug rehab multiple times, right or wrong? Yeah, you're right. But wo unhone mujhe mauka nahi diya yahan se jump hop out. Main actually bhag gaya tha is jagah se. Acha, aap bhag gaye the? Haan, wo bataiyega. Takriban 2 mahina hua. Batao ya nahi batao? Bataye na. Bataye aap. Bhai, hamara plan bana tha usi din, theek hai? Mere sath 3 ladke the. Then it sounds like a Hollywood movie, okay? So we smuggled the key from the door. I smuggled the key. We hopped on, and then 4 of us all parted. Everybody went to their own destination. But then, like a stupid man, I went back home. Where they have already told me never come back again. And then यहाँ पर दोबारा वापस ले आए। अच्छा, उन्होंने कॉल करके बता दिया वापस ले। अच्छा, कौन कौन सा नशा करते थे आप? Very simple, चर्स एंड दारू एंड अल्कोहल, नो आइस। शुरू कैसे किया आपने? मैं अमेरिका में मैंने 15 साल गुजारे, तो क्या कहूँ मैं इस बारे में कि इट्स नॉर्मल, द ड्रग सीन एंड द अल्कोहल सीन इज समथिंग एवरीबडी डज, सो यू डोंट पुट अ स्टिग्मा ऑन इट कि भाई ये
ये टैबू है. इट्स नॉट अ टैबू टू मी. सो आई एम लुकिंग एट देयर हाउ दे रिएक्शन. बट दिस प्लेस, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस प्लेस. दे हैव बीन अमेजिंग 7 years. अमेजिंग. Sometimes I get to work in the kitchen. Sometimes I get, they send me newspapers. So, and then I'm a writer, so. लिखते भी हैं. लिखते भी. अच्छा, ये आपके वो वाले पेशेंट तो नहीं है जिनका, अच्छा दिखाएं कुछ जो आपने लिखा हो, हमें भी सुनाएं. तो by the way, where is your own family? आपकी अपनी फैमिली किधर है? मेरी, मैंने और मेरी जो वाइफ थी, वी बोथ वर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ किड. ओके, एंड दिस, ओके, एक पढ़ूँ मैं? हाँ जरूर. इट्स कॉल्ड ला लूना. द मून स्वैम इन फैंटेसी ऑफ माय ख्याल. आई प्लंज्ड इनटू द क्लाउड्स. Waves woke her from her restless sleep. She was thinking of me. Thank you, Ray. बहुत शुक्रिया. अच्छा मुझे बताएं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो नशे के आदि हैं और रिहैब सेंटर्स में नहीं आते हैं डर की वजह से, खौफ की वजह से, उनको क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? Trust yourself and trust the people who are helping you with the your treatment. क्योंकि it's easy to equate capitalistic what's the point? The point I'm trying to make is one is swayed in the direction of drug use very easily. Har corner pe drug milta hai. Theek hai na, unko main kya advice dun, aap batao. इंसान की पर्सनल विल होती है ना, कि आपको, हर इंसान को ड्रग मिल रहा है, हर इंसान ड्रग लेता नहीं है ना. तो जो लोग लेते हैं तो आपको लगता नहीं है कि नहीं लेना चाहिए इफ़ यू कैन नॉट हैंडल इट? और दूसरा ये कि आपकी ज़िंदगी पूरी मुतासर हो जाती है, आपकी फैमिली आपसे दूर हो जाती है. लेकिन ड्रग यूज़ करने से पहले तो वो हमको थेरेपी नहीं मिलती है ना, कि भाई तुम किस तरह इस जगह को यूज़ करोगे टू हेल्प विथ योर ट्रीटमेंट. वर्कर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, किस हद तक आप लोगों को परेशानी होती है इनको हैंडल करने में? परेशानी तो हमें होती है, मगर हम, जैसा कि पेशेंट ने बताया, मारपीट ऐसा कुछ भी नहीं होता. यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जो नीचे मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारे इंचार्ज. मरीज़ जो है कि घर जाने की इज्जत ज़्यादा करता है, इस वजह से इनको समझाया जाता है, बिठाया जाता है, दूसरे पेशेंट को तंग ना करें, इस वजह से थोड़ा धमकाया जाता है. मार पिटाई कुछ भी नहीं होती है. अच्छा, किस किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं? कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको देख के आपने कहा हो कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है? ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं. कोई बात, कोई याद हो आपको तो बताइएगा. ऐसा अभी फ़िलहाल तो याद नहीं, क्योंकि आते रहते हैं, मंशियात के भी हैं, नफ्सियात के भी. भागने की कोशिश करते हैं? जी, भागने की. तो तमाम पेशेंट जो शुरू के 3 दिन होते हैं ना, 48 घंटे वो यही कोशिश करते हैं कि इस तरह ये गेट खुले और हम जाएं, या चाबी छीन के. यहाँ कुछ लोग पेशेंट बोलते हैं कि प्लानिंग करते हैं आपस में कि हमें बांध के और चाबी हमसे छीन के हमें मार के यहाँ से भागना चाहें. ऐसा हुआ है कभी? नहीं, ऐसा अलहमदिल्ला हुआ नहीं है कभी. आप बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम. कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे तकरीबन जॉब ज्वाइन करते हुए दूसरा हफ्ता चल रहा है. दूसरा हफ्ता चला. अच्छा, अभी आप नए आए हैं. जी जी. बताइए क्या मुश्किल होती है? क्या मुश्किल तो इतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जो कभी कभार हाइपर हो जाते हैं, उसको हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है 4 पेशेंट्स मिलकर आ गए हो आप? अच्छा, जब से मैं आया हूँ तब से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टाफ से मैंने सुना है कि ऐसा ही होता है, कभी कभार सारे वार्ड वाले इकट्ठे होकर स्टाफ के ऊपर आ जाते हैं उसको मारने के लिए. तो उस टाइम उसको मतलब अपने आप को भी बचाने के लिए, उसको भी बचाने के स्ट्रगल में खुद को भी चोट पहुँच सकती है. ठीक है, तो आप पूरा समय आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, हैंडल कर लेंगे आप? जी, अगर इंशाल्लाह. हमारा है, वो भी बहुत प्यारे हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं, हमारे को सुबह में नाश्ता टाइम पर देते हैं, शाम को दोपहर को खाना टाइम पर देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, हमारी मुलाकात भी कराते हैं, अगर बुखार हो जाए तो चेकअप भी करते हैं एनी टाइम. रात को 24 घंटे यहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं. अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी हो जाए तो उसी टाइम हमला उस पर ट्रीटमेंट करते हैं. अगर यहाँ से बस से बाहर होता है तो आगा खान ले जाते हैं, या
अबासी ले जाते हैं या जिना हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कारोबारी बंदा हूँ, मेरी अपनी बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरी एक दिन की 2 लाख रुपए की आमदनी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर आता हूँ सिर्फ इन्हों के पास आता हूँ क्योंकि इन्हों पे मुझे भरोसा है। मैं अभी से नहीं आ रहा हूँ, मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब के टाइम से मुझे लॉस हो गया था उस टाइम 3-4 करोड़ का, तो मैं मेंटल हो गया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ जमा कराया था। और जब से अभी का मेरे भाइयों ने कहीं भी ले जाते हैं, मैं मेरा दिन नहीं मुतमिन होता। मैं इधर जब आ जाता हूँ तो समझो मैं अपने घर में आ जाता हूँ। ये इतने नाइस लोग हैं, आपको किसी ने एप्लीकेशन दिए तो वो गलत दिए, ऐसा यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो आपको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी मफलूज कर देता है। हम देखते हैं कि कराची में बहुत से ऐसे रिहैब सेंटर्स और साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो ऐसे मरीजों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बहसियत कौम हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई इंसान मंशियात में इन्वॉल्व है तो ख़ुद भी उससे फासला रखें और उसको भी बताएं कि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत बाला से हमारी ये अपील है कि मंशियात फरोशी को ख़त्म किया जा सके और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।